सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी दुनिया को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ही गाइस, मैं हूं के टेक्नोलॉजी दुनिया से और आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे लेनोवो के 8 प्लस के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस डिवाइस को अनबॉक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है। लेनोवो की 8 की ब्रांडिंग मिलती है, लेनोवो की ब्रांडिंग मिलती है लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ पर जो बॉक्स पर आपको प्राइस मिलता है 12,000 रुपये मिलता है 3GB प्लस 32GB वेरिएंट वाला, लेकिन इसकी कीमत जो है 11,000 रुपये रखी गई है और सेल के दौरान आपको आसानी से ये 9,000 से 10,000 रुपये के बीच में मिल जाएगा। दोस्तों बॉक्स के पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ की स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, जिसमें कि आपको 13+5 MP का डुअल रियर कैमरा मिलता है और फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 2.5 GHz का ऑटो कोर प्रोसेसर दिया गया है। 5.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आता है। साथ साथ यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस डिवाइस को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या कंटेंट मिलता है। दोस्तों तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको मिलता है स्मार्टफोन और यहां पर स्मार्टफोन को रखते हैं साइड पर और यहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिलते हैं और यहां पर चार्जर मिलता है और माइक्रो USB केबल मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल भी मिलता है और यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिलते हैं जिसमें कि क्विक स्टार्ट गाइड है और कुछ वारंटी डॉक्यूमेंटेशन है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बॉक्स के दूसरे कंटेंट के बारे में। यहाँ पर आपको माइक्रो USB केबल मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये केबल है और इसकी जो लेंथ है 1 मीटर दी गई है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब चार्जर के बारे में। चार्जर की जो क्वालिटी दी गई है बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी गई है। यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलता है 2 एम्पीयर का मिलता है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पील उखाड़ लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों सामने की तरफ आपको 5.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है जो कि 2.5D कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। नीचे में आपको 3 कैपेसिटिव बटन्स मिलते हैं जो कि बैकलिट LEDs के साथ नहीं आते हैं। दोस्तों अगर स्क्रीन के टॉप की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि LED फ्लैश के साथ आता है और कुछ सेंसर्स मिलते हैं। दोस्तों अगर बैक की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन मिलता है। डुअल रियर कैमरास मिलते हैं, डुअल टोन LED फ्लैश मिलता है, माइक्रोफोन मिलता है और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अगर बॉटम की बात करें तो यहाँ पर आपको लेनोवो की ब्रांडिंग मिलती है और कुछ डिटेल्स मिलते हैं। ये स्मार्टफोन मेड इन चाइना है। और अगर टॉप की बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है। दोस्तों और अगर बॉटम की बात करें तो यहाँ पर आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, माइक्रोफोन मिलता है और स्पीकर ग्रिल मिलता है। दोस्तों दोस्तों अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको सिम ट्रे मिलता है और म्यूजिक की मिलता है जिसको आप और भी फीचर्स के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए, फ्लैशलाइट ऑन करने के लिए, कैमरा ऑन करने के लिए और म्यूजिक को पॉज और प्ले करने के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको जैसे भी इस्तेमाल करना है आपको डिटेल्स मिल जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर पावर बटन मिलता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्मार्टफोन को ऑन कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं और जानते हैं स्मार्टफोन के और डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों हमारा डिवाइस जो है बूट अप हो चुका है, फर्स्ट बूट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेनोवो की 8 प्लस में आपको कुछ इस तरह का UI और कस्टमाइजेशन मिलता है। दोस्तों अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है फास्ट है और यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, फ़ोन आसानी से अनलॉक हो जाता है। 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है अनलॉक होने में, तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर आपको अगर मेन्यू में जाएँ तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर मेन्यू मिलता है और अगर सेटिंग्स में जाए तो यहाँ पर आपको ये डिवाइस एंड्रॉइड नोगट 7.1 पर मिलता है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस की स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज में आपको यहाँ पर 32GB मिलता है जिसमें कि 8.86GB जो है सिस्टम यूज करती है और 22.10GB आपको फ्री मिलता है।
अगर रैम की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 3 GB का रैम मिलता है, जिसमें कि आपको 2.7 GB मिलता है, जिसमें कि 1.5 GB जो है सिस्टम यूज़ करती है फर्स्ट बूट के बाद। और चलिए दोस्तों इस डिवाइस का साउंड टेस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं और व्यूइंग एंगल्स को देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर सिम की बात करें तो ये डिवाइस डुअल सिम डिवाइस है और यहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी मिलता है, जो कि इस प्राइस के स्मार्टफोन्स में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको दो सिम आप लगा सकते हो, दो नैनो सिम लगा सकते हो और एक माइक्रो एसडी कार्ड एक टाइम पर लगा सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं गेमिंग के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैंने दो टाइम गेमिंग करी। सबसे पहला टाइम जो था उसमें सारे एप्लीकेशंस बंद कर दिया था और सिर्फ गेमिंग कर रहा था और उस समय मुझे कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिले और फ़ोन ज़रा भी हीट नहीं हुआ। करीब 20 से 25 मिनट मैंने लगातार गेमिंग की और फ़ोन ज़रा भी हीट नहीं हुआ। लेकिन दूसरा टाइम जो था मैंने सारे एप्लीकेशंस बहुत सारे एप्लीकेशंस खोल रखे थे और उसके बाद मैंने गेम स्टार्ट किया तो उस समय मुझे हीटिंग इशू आया और फ्रेम ड्रॉप्स भी मिले और वहाँ पर फ़ोन जो था कैमरा के पास थोड़ा हीट हो रहा था। दोस्तों अगर इस डिवाइस के एंटीटू बेंचमार्क रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो इस डिवाइस पर मुझे 60,700 का स्कोर मिला और यहाँ पर मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट हो गया। मेरी गलती की वजह से मैंने उस फोल्डर को डिलीट कर दिया गलती से और अब फिलहाल के लिए अभी मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है और वो जल्दी से अगर आ जाता है तो मैं इसका एक सेपरेट बेंचमार्क रिव्यू बना दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरा के बारे में। दोस्तों अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 13+5 MP का रेयर कैमरा मिलता है जो कि डुअल टोन LED फ्लैश के साथ आता है और यहाँ पर आपको फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी मिलता है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है जो कि LED फ्लैश के साथ आता है दोस्तों। दोस्तों अगर कैमरा ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको जो फोटो साइज मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो साइज जो आपको मिलता है 4:3 का रेशियो मिलता है जो कि आप 13 MP पर शूट कर सकते हो और अगर आपको 16:9 रेशियो पे अगर शूट करना है तो आपको वहाँ पर 9.4 MP पर शूट करना होगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर ये डिवाइस फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है दोनों ही कैमरा से, फ्रंट कैमरा और रेयर कैमरा दोनों ही से फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पर आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स के बारे में और जानते हैं इसके कैमरा के बारे में अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इस शॉट को मैंने विदाउट यूजिंग फ्लैश लो लाइट में लिया था। आप लो लाइट में भी इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो अच्छा परफॉर्म करता है मैंने देखा है और यहाँ पर इस इमेज को मैंने फिर से फ्लैश के साथ लिया और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी लो लाइट में भी ये कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है। भले ही यहाँ पर आपको ब्राइटर इमेजेस नहीं मिलते हैं लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा डिटेल्ड इमेज मिलता है, कोई भी पिक्सल्स नहीं दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते कितने भी अंधेरे में ये पिक्चर लिया गया है लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी पिक्सल्स नहीं दिखेगा, बहुत ही अच्छा डिटेल आपको इस इमेज में मिलेगा दोस्तों। उसी इमेज को मैंने फ्लैश यूज करके लिया। दोस्तों इस शॉट को मैंने रेयर कैमरा से लिया था विथ यूजिंग फ्लैश। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इमेजेस आपको मिलता है लो लाइट में, आपको फ्लैश के साथ कुछ इस तरह का इमेजेस मिलता है दोस्तों।
इमेज डेप्थ मोड में लिया गया, पीछे जो बैकग्राउंड जो है ब्लर हो गया है, तो कुछ इस तरह के इमेजेस आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग में मिलते हैं दोस्तों। ये भी इमेज डेप्थ मोड में लिया गया है दोस्तों। इमेज डेप्थ मोड में लिया गया है। इस शॉट को फोन के फ्रंट कैमरा से लिया गया है डे लाइट परफॉर्मेंस में, तो आप देख सकते हो डे लाइट में आपको अच्छी क्वालिटी के इमेजेस मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा डिटेल मिलता है इस कैमरा में फ्रंट कैमरा से डे लाइट परफॉर्मेंस में। और ये इमेज डेप्थ मोड में लिया गया, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको इमेजेस मिलता है डेप्थ मोड में। यहाँ पर भी कुछ इश्यूज आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कुछ कहीं कहीं ब्लर नहीं हुआ है, कहीं कहीं ब्लर हो गया है। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो ब्लर में इशू आ रहा है, कहीं कहीं ब्लर अच्छे से नहीं हो पा रहा है साइड साइड में, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इशू है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं स्मार्टफोन का। सो दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड फ्रॉम द रियर कैमरा ऑफ लेनोवो K8 Plus. So I hope you can judge the video and audio quality of the smartphone in low light performance. ये वीडियो मैं K8 Plus के रेयर कैमरा से कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जज कर पाओगे कि कैसा ऑडियो क्वालिटी मिलता है और कैसा वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलता है। और गाइस अभी बारिश हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेलिंग। ओके दोस्तों, इस डिवाइस में आपको स्लो मोशन रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं K8 Plus के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप जज कर सकते हो कैसा वीडियो और ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मेरे वर्डिक्ट के बारे में। दोस्तों स्मार्टफोन की कीमत रखी गई 11,000 रुपए 3GB वाले वेरिएंट की और 12,000 रुपए 4GB वाले वेरिएंट की। दोस्तों स्मार्टफोन में मिलता है मीडियाटेक का P25 का प्रोसेसर, जो कि वन ऑफ द पावरफुल चिपसेट है पी सीरीज का मीडियाटेक का, जो कि आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिलता है। दोस्तों यहाँ पर ऑल ओवर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ऑल ओवर स्पेसिफिकेशंस बहुत ही अच्छा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कैमरा में इम्प्रूवमेंट्स आना बाकी है। यहाँ पर डेप्थ मोड जो है उतनी अच्छी तरीके से नहीं काम करता यहाँ पर। और अगर स्मार्टफोन की डिजाइन की बात करें तो मुझे स्मार्टफोन का डिजाइन उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जो आपको स्पेसिफिकेशंस मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है। दोस्तों अगर बात करें कैमरा इंप्रूवमेंट्स की तो कंपनी इसको सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए सुधार सकती है। दोस्तों दूसरा फैक्टर जो मुझे स्मार्टफोन में अच्छा नहीं लगा वो था स्मार्टफोन का प्राइसिंग। दोस्तों अगर स्मार्टफोन की प्राइसिंग 3GB वाले वेरियंट की 8 से लेकर 10,000 रुपए के बीच में रहती और 9 से लेकर 11,000 रुपए के बीच में अगर आपको 4GB वाला वेरियंट मिलता तो बहुत ही अच्छा होता। यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिकेशंस मिलता है अच्छा मिलता है, लेकिन थोड़ा सा प्राइसिंग
प्राइसिंग मुझे ज़्यादा लगता है स्मार्टफोन के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना है तो सेल के दौरान आपको आसानी से ये स्मार्टफोन 8.5 से 9 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, और 4GB वाला वेरियंट जो है आपको 11,000 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई भी बैकलिट LEDs नहीं मिलती नीचे 3 कैपेसिटिव बटन्स में। और दोस्तों, अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हो, जिससे हमारे चैनल की थोड़ी सी मदद हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और अगर आप इसी तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव रह गया दोस्तों, तो आप नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या हमसे पूछ सकते हो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।